नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। वल्लभ नगर जोन का अधिकारी बताने वाले प्रणेश कुमार और उनके साथ आए एक दर्जन सामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने बाबत कॉलोनी वासी द्वारा बोला गया है कि खुद को बिजली कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी बताने वाले वल्लभ नगर जोन के प्रणेश कुमार और उनके साथ आए एक दर्जन गुंडों ने सोमवार को सुबह 11 बजे श्रीवीर नगर कॉलोनी में नशे की हालत में लोगों के साथ अभद्रता की और ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। आरोपी प्रणेश कुमार पूर्व में भी इस प्रकार का कृत्य कॉलोनी में आकर कर चुके हैं। आरोपी प्रणेश कुमार की दादागिरी और अभद्रता से कॉलोनी के 100 से ज्यादा मकान मालिक और किराएदार परेशान हैं। सोमवार को प्रणेश कुमार ने कॉलोनी में स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की। प्रणेश कुमार का कहना था कि स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल अधिक आएगा और मीटर खराब होने पर हजारों रुपए की रसीद कटवाना पड़ेगी। श्रीवीर नगर कॉलोनी को इन मीटरों से बचना है तो 2 लाख रुपए का कलेक्शन उन्हें देना होगा। इसके बाद वे 1 साल तक मीटर नहीं लगने देंगे। उन्होंने ये भी धमकी दी कि अगर राशि नहीं दी गई तो मीटर लगवाकर इतना बिल भिजवाया जाएगा कि लोगों के मकान बिक जाएंगे। प्रणेश कुमार पिछले 3 माह से रुपए के लिए दबाव बना रहे हैं। पूर्व में कॉलोनी की बिजली संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए कॉलोनी के अध्यक्ष मूलचंद्र वासवानी से वे 25,000 रुपए भी ले चुके हैं। हम कॉलोनी वासी प्रणेश कुमार को स्मार्ट मीटर नहीं लगाने और अधिक बिल सहित अन्य परेशानियों से बचने के लिए 40,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन वे 2 लाख से कम में मानने को तैयार नहीं थे। सोमवार को जब राशि देने से मना कर दिया गया तो उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। इसके बाद कॉलोनी के रहवासियों द्वारा चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी अजीत तिवारी जी को फोन पर पूरे मामले की जानकारी दी गई। श्री तिवारी ने उपनिरीक्षक विकास देवड़ा और अन्य बल को कॉलोनी भिजवाया। इसके बाद प्रणेश कुमार ने धमकी देना बंद की। पुलिस अधिकारियों ने जब प्रणेश कुमार से कॉलोनी में मीटर लगाने संबंधी अनुमति मांगी तो 6 की हालत में प्रणेश कुमार वहां से रवाना हो गए। प्रणेश कुमार ने अधिकृत रूप से मौके पर कहा कि उपभोक्ता की मर्जी के बिना उसके घर में घुसकर हम मीटर बदलने की ताकत रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास सर्वाधिकार है, उपभोक्ताओं की मर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणेश कुमार से उनका परिचय पत्र मांगा गया तो वे आग बबूला हो गए और बोले कि एसपी और कलेक्टर भी उनसे परिचय पत्र नहीं मांग सकते हैं। प्रणेश कुमार ने कई लोगों के साथ अभद्रता करते हुए झूठी शिकायत कर लोगों को फंसाने की धमकी भी दी। प्रणेश कुमार को कॉलोनी वालों ने बताया कि ये वैध कॉलोनी कुछ ही सालों में बनी है, 1 साल पहले ही डिजिटल मीटर भी लगे हैं, तो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि ऊपर तक कलेक्शन जाता है। इंदिरानगर सहित कई कॉलोनियों में कई मकानों में अभी तक इसलिए मीटर नहीं लगाए गए हैं क्योंकि वहां के लोग हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमें दूसरे तरीके से भी कलेवान लेना आता है। उनका कहना था कि कॉलोनी में 100 मकान हैं, अगर एक मकान में एक महीने में स्मार्ट मीटर से 1,000 रुपए महीना भी अधिक आता है तो 1 लाख रुपए महीना बिल बढ़ जाएगा। इस प्रकार 2 महीने की राशि कॉलोनी वालों के लिए अधिक नहीं है, उन्हें 1 साल में 12 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा। प्रणेश कुमार पहले भी कई बार एमपीईबी के वाहन में बैठकर कलेक्शन लेने के लिए कॉलोनी आ चुके हैं। वे अलग अलग जाकर कॉलोनी के लोगों से 2 लाख के लिए कलेक्शन की बात कह रहे हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 7 में वीर नगर कॉलोनी है। पहले भी यहाँ स्मार्ट मीटर के लिए अधिकारी लोग आए थे और पहले भी प्रणेश कुमार जी ने यहाँ पे दादागिरी करके लगाने की बात की थी और मतदाताओं को परेशान करने की बात की थी। घर घर पहले भी मीटर लगाने के, और अभी भी जो आए थे वो उन्होंने स्पष्ट रूप से जो मतदाता हैं और जो नागरिक हैं वहाँ के उनको धमका के बोला गया कि नहीं नहीं हम तो लगाएंगे। और हम जिस तरह से लोगों को लेके आए थे वहाँ भय का वातावरण बना रहे थे और वहाँ के जो रहवासी हैं उन्हें परेशान करने की बात करी और वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर उनसे निवेदन किया कि आप यहाँ लगाने आए हैं, इसका क्या नियम है, नियम अनुसार आप हमें कागज़ बताइए। वहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे, उन्होंने भी उनसे डॉक्यूमेंट मांगे और वह नहीं दिए, उन्होंने नहीं दे पाए। फिर पुलिस की निगरानी में वो वापस गए और फिर उन्होंने दबाव बनाया कि हम आपके यहाँ पे लाइट व्यवस्था को बेकार करेंगे, आपको परेशान करेंगे, जिससे कि आप इसमें मीटर लगाने के लिए बाध्य हो जाएं। इस तरह का जो वहाँ व्यक्तिगत प्रणेश कुमार जी जो कॉलोनी के उसमें कर रहे हैं ये गलत है। इसके लिए आज हम एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे और उनके लिए खिलाफ के इस तरह के एमपीबी के जो अधिकारी हैं वो व्यक्तिगत रूप से एक कॉलोनी को टारगेट बना के परेशान करने का